तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मिस्टर सॉडी यानी गुरुचरण सिंह के गुमशुदा होने से हर कोई शॉक में है। परिवार से लेकर फैंस तक एक्टर के सुरक्षित घर वापस लौटने और जल्दी मिलने की कामना कर रहे हैं। कुछ इसी तरह एक्टर विशाल थक्कर भी गायब हो गए थे, जिनके बारे में हमने हाल ही बताया था। इन्हीं दो सितारों की तरह कई साल पहले राजेश खन्ना की एक हीरोइन भी गायब हो गई थी। वो तो अच्छी खासी फार्म हाउस पर छुट्टियां मनाने निकली थी, परिवार भी साथ था, पर किसे पता था कि वह यूं अचानक गायब हो जाएगी। इस हीरोइन का नाम था लैला खान। किसी को समझ नहीं आया था कि लैला खान को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। हर तरफ चप्पे चप्पे कोने कोने में लैला खान और उसके परिवार की तलाश की गई। महीनों तक खोजबीन चलती रही और फिर जो सामने आया उससे रूह तक कांप उठी। 11 महीने की कड़ी जांच और खोजबीन के बाद पुलिस को उसी फार्म हाउस से 6 कंकाल मिले जहां लैला खान परिवार के साथ छुट्टियां बिताने गई थीं। लैला खान मूल रूप से पाकिस्तान की थीं और उनका नाम रेशमा पटेल था, लेकिन वह बॉलीवुड में अपना करियर बनाने इंडिया आई थीं। यहां दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना ने फिल्म वफ्फा में उनके साथ काम किया था। इस फिल्म में उनके और राजेश खन्ना के बीच काफी अंतरंग सीन थे। फिल्म तो फ्लॉप रही, पर लैला खान को काम मिलना शुरू हो गया। वह एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, लेकिन उससे पहले कुछ दिन छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया, लेकिन 30 जनवरी 2011 की रात के बाद से सब कुछ बदल गया। लैला खान ने कथित तौर पर मुनीर खान से शादी की थी, जो कि बांग्लादेश की बैन संस्था का मेंबर था। 30 जनवरी 2011 को लैला खान मां सेलिना, बड़ी बहन हशमीना, कजन रेशमा और अन्य दो जुड़वां भाई बहनों के साथ मुंबई से 126 किलोमीटर दूर स्थित हॉलिडे होम पहुंची। यह हॉलिडे होम इगतपुरी में था। वहां से 9 फरवरी को लैला खान की मां ने बहन से फोन पर बात की और बताया कि वह अपने तीसरे पति परवेज इकबाल के साथ चंडीगढ़ में है। लेकिन इसके बाद से लैला खान समेत पूरा परिवार गायब हो गया, कहीं कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लैला खान की मां सेलिना ने 3 शादियां की थीं और लैला पहले पति की बेटी थीं। लैला खान के पिता कई दिनों तक बेटी और अन्य लोगों की खोज करते रहे थे, पर कोई खबर नहीं मिली। उन्हें परवेज पर शक था। उन्होंने मुंबई पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। डायरेक्टर राकेश सावंत ने भी शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि लैला खान गायब होने से पहले तक उनकी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। इस मामले में पूरा शक लैला खान के सौतेले पिता परवेज पर जा रहा था, जो कि लश्कर ए तैयबा का मेंबर था। इसके बाद एक अन्य केस के सिलसिले में पुलिस ने 21 जून 2012 को परवेज को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान परवेज ने जो बताया उसे जानकर लोगों का दिल दहल गया। परवेज पहले तो लगातार बयान बदलता रहा। कभी कहता कि लैला और उसके परिवार को गोलियों से भून दिया गया, तो कभी कहता कि वो जिंदा हैं। लेकिन जब पुलिस ने कड़क तरीके से पूछताछ की तो परवेज ने बताया कि उसी ने लैला खान और उसके परिवार की हत्या कर दी है और सभी की लाशों को वहीं फार्म हाउस में दफना दिया गया है। परवेज ने पुलिस को बताया कि परिवार को मारने और ठिकाना लगाने में उसने फार्म हाउस के केयरटेकर से मदद ली थी। परवेज के बयान के बाद पुलिस इगतपुरी के फार्म हाउस पहुंची और वहां खुदवाना शुरू कर दिया। खुदाई में 6 कंकाल निकले। उन पर जो चीजें थीं, उनसे माना गया कि वो लैला खान और उसके परिवार के ही कंकाल थे। पहले तो पुलिस किडनैपिंग वाले एंगल से जांच कर रही थी और उसी चक्कर में शक के आधार पर परवेज को पकड़ा था, लेकिन परवेज के खुलासे और कबूलनामे से पूरी गुत्थी सुलझा दी। परवेज ने पुलिस को बताया कि लैला की मां हमेशा उसकी बेइज्जती किया करती थी और उसका दूसरे पुरुषों के साथ भी रिश्ता था, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी। पर लैला को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसे मां की हत्या करते हुए देख लिया था। क्योंकि परवेज कई बार बयान बदल रहा था, इसलिए पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब पुलिस उसके दावों की जांच करने के लिए उसे फार्म हाउस ले गई। बाद में केयर टेकर आसिफ शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने और परवेज ने ही पहले लैला खान और उसके परिवार की गोली मारकर हत्या की है और फिर उन सब की लाश को फार्म हाउस में ही दफना दिया।